सो कैसे दोस्तों, आई अब से बढ़िया आ गए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे मोड सिक्योरिटी एप्लीकेशन फ्रॉम HyperOS। अब देखो, HyperOS काफी ज्यादा फीचर्स के साथ आता है, लेकिन अगर आप लोग उसको मोड के साथ यूज करते हैं तो आपको और भी इंटरेस्टिंग फीचर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे मैंने अपने फोन में इंस्टॉल किया है मोड सिक्योरिटी एप्लीकेशन, जिसके कुछ फीचर आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पे देखो, गेम ट्रूपो यहाँ पे ओपन है एंड तुम लोगों को मैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यूजिंग एम डिवाइस आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि हेल्प करता है हमको यहाँ पे एम करने में। एंड तुम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा कूल होने वाला है। एंड जब तुम इसको लगा के गेम खेलोगे तो तुम्हारे एमिंग में काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। एंड कोई भी कंट्रोलर या कोई भी एनिमी को आप लोग सपोर्ट कर सकते हो एंड अपनी एमओ सीधा उसके हेड टू हेड में उतार सकते हो। लेकिन देखो यार, एक किल का ही यहाँ पे बंदा डेड हो जाता है एंड ये काफी ज्यादा वर्क करेगा। एंड देखो यार, इसमें और भी इंप्रेसिव फीचर देखने को मिल जाते हैं। इनहेंस कंट्रोल, यहाँ पे आपको वॉइस कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, काफी ज्यादा फीचर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एंड एक अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो ऑलमोस्ट काफी ज्यादा लंबी होने वाली है। परफॉर्मेंस पर टैप करते हो तो देखो, परफॉर्मेंस वाले फीचर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर ऐसा ही यहाँ पे मैं YouTube ओपन करके दिखाऊं वीडियो टूल बॉक्स के लिए, तो यहाँ पे देखो स्टिल मैं YouTube ओपन करता हूँ एंड तुम लोग यहाँ पे देखना, वीडियो टूल बॉक्स में भी आपको कुछ एक्स्ट्रा एंड इमर्सिव फीचर देखने को मिलेंगे। जस्ट लाइक यहाँ पे देखते तो आपको थिएटर मोड देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे इनबिल्ट किया गया है थिएटर मोड। एंड कस्टम पे टैप लोग कर सकते हो, कस्टम पे भी काफी ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाएंगे। डॉल्बी एटमॉस्फेयर का सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे देखो थिएटर मोड पे टैप करोगे तो कुछ एक्स्ट्रा ही फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखो यार, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब देखो यार, मैं तुम्हारा मजा खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट तुम लोग यहाँ पे फिर से बोलोगे, तो मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ कि ये आपको यहाँ पे रूट की वजह से हेल्प करेगा। आप लोग इसको यहाँ पे, आपका फोन रूट होगा जब भी आप लोग इसको इंस्टॉल कर पाओगे, नहीं तो ये इंस्टॉल नहीं होने वाला, नहीं तो आपको यहाँ पे इनवैलिड दिखाएगा, जो कि ऑब्वियसली दिखाता ही है। जस्ट लाइक जैसे कंट्रोल सेंटर की मैं वीडियो बनाता हूँ, जो कि मोड कंट्रोल सेंटर होते हैं, सेम वैसे ही आपको यहाँ पे ये प्लग इन का वर्जन देखने को मिल जाएगा। तो आपको अपने फोन को रूट करना होगा प्रॉपरली मैजिक्स इंस्टॉल करके। मैजिक्स इंस्टॉल करने के बाद आफ्टर सिग्नेचर वेरिफिकेशन को डिसेबल करना होगा, जो कि ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना रखा है। एंड तुम लोग अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो तुमको पता होगा कि क्या क्या प्रोसेस होता है एंड कैसे कैसे करना होता है। तो देखो, सारी चीज करने के बाद अब यहाँ पे देखो, मैं दिखाता हूँ सिक्योरिटी वाली एप्लीकेशन को ओपन करके। तो यहाँ पे देखो, आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिल जाएंगी। बैटरी पे टाइप करते तो न्यू वाला UI देखने को मिल जाएगा, लेकिन देखो स्टिल अभी इसमें एक बग सा देखने को मिल जाता है, जो कि बैटरी परसेंटेज यहाँ पे नहीं दिखाता है। बैलेंस पे टाइप करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ आपको इसमें परफॉर्मेंस मोड देखने को मिल जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे मोड एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है, तो एक्स्ट्रा फीचर आपको ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे। स्पीड अप चार्जिंग का यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बूस्ट चार्जिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यानी काफी ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। आप लोग इसको अगर यूज करते हो तो मे बी आपका फोन काफी ज्यादा अच्छी तरीके से वर्क करेगा। 5G बैटरी सेवर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एंड मेरा फोन तो 5G है भी नहीं, तो उसके बारे में बात नहीं करते। यहाँ पे देखोगे आपको देखने को मिल जाएगा डीप क्लीन, शेड्यूल पावर मोड देखने को मिल जाएगा, ऑटोमेटिक टास्क देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप लोग स्वाइप अप करते हो तो आपको और भी एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलेंगे। एंड देखो यहाँ पे सैमसंग डिवाइस में अलग अलग फीचर आ रहे हैं, जैसे कि एक बजट डिवाइस में बजट डिवाइस के अकॉर्डिंग फीचर आते हैं, एक फ्लैगशिप डिवाइस में फ्लैगशिप लेवल के डिवाइस फीचर आते हैं। तो ये बजट डिवाइस है तो आपको इसमें बजट डिवाइस के फीचर देखने को मिलेंगे एंड ऐसे ही सारे आपको फीचर देखने को मिल जाते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे देखोगे एप्स के फीचर देखने को मिल जाते हैं, क्लीनर के फीचर देखने को मिल जाएंगे, टूल्स के यहाँ पे फीचर देखने को मिल जाएंगे। गेम ट्रूपो पे टैप कर दो तो सबसे ज्यादा जो हाई यहाँ पे ऐड किया गया है वो गेम ट्रूपो एंड वीडियो टूल बॉक्स में किया गया है, जो कि एक बजट डिवाइस के अंदर देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे देखो रेड एनवेलप ऐसे यहाँ पे आपको असेसमेंट देखने को मिल जाएगा, जो कि चाइना बेस है, यहाँ पे इंडिया एंड ग्लोबल में तो इसका कोई काम भी नहीं है। यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे ये सारी चीजें आपको वर्किंग करते हुए देखने को मिलेंगी, क्लीनर एंड ऑल ओवर जो काफी अच्छी तरीके से आपको वर्किंग करते हुए देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो बैटरी आइकन हमारा यहाँ पे अभी परफॉर्मेंस मोड में ही स्विच है, तो आप लोग यहाँ पे देखो इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो। एंड आफ्टर इंस्टॉलिंग के बाद आप लोग गेम ट्रूपो को जैसे आप लोग ओपन करोगे तो गेम स्पेस आता है, लेकिन गेम ट्रूपो को यहाँ पे ऑप्टिमाइज किया गया है। तो यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूं गेम को ओपन करके, स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करने के आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। एंड यहाँ पे साइड में आपको दिखाता होगा कि गेम ट्रूपो यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो ट्राई टू स्विच कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा दिखाता है, जो कि हमको आइडेंटिफाई कराता है कि यहाँ पे मोड यूज किया गया है। एंड जैसे आप लोग इस मोड को यूज करते हो, यानी कि इस मोड एप्लीकेशन को यूज करते हो, तो हमारे स्क्रीन पे यहाँ एंड अभी तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो ब्राइटनेस लेवल, इनहेंस विजुअल आपको देखने को मिल जाएगा, 100 फ्रेम रेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड देखो ये कुछ कुछ फीचर हैं जो कि आपके फोन में वर्क करेंगे, जो भी ब्लू आइकन के साथ हो जाता है तो वो समझो कि वो आपके फोन में फीचर वर्क करता है। एंड देखो कुछ के लिए आपको यहाँ पे डाउनलोड करना होगा, जैसे कि देख सकते हो परफॉर्मेंस हाई लेवल एक्शन, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से कनेक्ट होगा तो रिकमेंडेड नहीं करूंगा मैं इसको। एंड तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो यूजिंग एम वाला फीचर मेरे को काफी ज्यादा कूल लगता है। एंड यहाँ पे कोई भी अगर मैं गेम लगाता हूँ, जस्ट लाइक यहाँ पे देखो हम कोई भी गेम लगा दिया हमने यहाँ पे,
गेम लगाने के बाद इसको ऑन करते हैं एंड ये आपको कलरफुल आइकन्स के साथ देखने को मिल जाएगा। तो जो भी चूज यूज करना है वो आप लोग यहाँ पे चूज कर सकते हो एंड ऑलमोस्ट ओवर तो काफी हद तक सिंपली फीचर है। जैसे तो पॉपअप ट्रिगर तो है नहीं इसमें, तो क्या ही आप लोग यूज करोगे। एंड यहाँ पे वाईफाई ये सारे फीचर वर्क करते हुए देखने को मिल जाएंगे आपको। इनहेंस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, या तो आप लोग रेजुलेशन सेलेक्ट कर सकते हो या फ्रेम रेट सेलेक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि सारे फीचर यहाँ पे मोड होने के बावजूद भी सारे फोन में वर्क नहीं कर रहे हैं। स्टिल कुछ फीचर तो अवेलेबल ही नहीं हुए, जैसे कि जस्ट लाइक अर्थ वार्निंग टाइप वैसे फीचर मेरे फोन में इनेबल नहीं हुए। एंड ये गेमिंग में थोड़ा हेल्प करेगा एंड तुम लोगों को मैंने दिखाया था यूट्यूब ओपन करके कि किस तरीके से यहाँ पे ये यूट्यूब के जो वीडियो टूल बॉक्स है उसको यहाँ पे अच्छी तरीके से ओपन कर रहा है। एंड देखो यहाँ पे कुछ फीचर है जो कि वर्क नहीं करते हैं, जैसे कि देख सकते हो बैकग्राउंड म्यूजिक अभी देखो यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा। स्टिल यहाँ पे जो गेम या वीडियो टूल बॉक्स बोल सकते हो वो भी रिस्टार्ट हो जाता है एंड यहाँ पे थोड़ा सा लैग करने के बाद यहाँ से गायब हो जाता है। तो ये छोटी सी प्रॉब्लम है कि सारे डिवाइसों में अच्छी तरीके से वर्क नहीं करता है। एंड यही हाईलाइट फीचर वीडियो टूल बॉक्स एंड गेम ट्रूबो में और सिक्योरिटी एप्लीकेशन के अंदर सम कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं। जो हिडन फीचर्स ग्लोबली देखने को मिलते हैं वो अनलॉक कर दिए गए हैं, पब्लिकली देखने को मिल जाते हैं इस मोड के अंदर एंड और भी एक्स्ट्रा चीजें देखने को मिलती हैं। एंड सबसे इम्प्रेसिव मेरे को ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। एंड देखो ये एक्चुअली में टैप करने पे वर्क तो नहीं करती है एंड यहाँ पे देखो कुछ एक्स्ट्रा फीचर हैं जो कि ऐसा वर्क नहीं करते हैं। लेफ्ट साइड वर्क करूं तो मैं कुछ इससे आपको देखने को मिलेंगे। सेटिंग पे टैप करते हो तो आपको वीडियो टूल बॉक्स को यहां से ओपन करना होगा, जो भी आपको ऐप में यूज करना है उस तरीके से आप लोग इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो इन शॉर्ट सिंपली आपको फीचर्स पता चल चुके हैं किस तरीके से फीचर्स वर्क करते हैं एंड तुम लोग अब इसको यहाँ पे एंजॉय या कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करना है अपने डिवाइस को एंड इसको सेटअप करने के लिए आपको सेकंड विंडो ये बोस करनी होगी। आपको अपना सिग्नेचर वेरिफिकेशन जो डिसेबल करना है यहाँ पे इस वीडियो को वॉच आउट करके सर्च करना होगा आप लोगों को सिग्नेचर वेरिफिकेशन यहाँ पे सिग्नेचर वेरिफिकेशन डिसेबल सर्च कर देना एंड मेरा नाम डाल देना। आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा आफ्टर वॉच दिस वीडियो एंड आपको इंस्टॉल करना होगा ये वाला एपीके। सिक्योरिटी स्टेटस यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा, सिक्योरिटी वाली एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी होगी एंड ये एप्लीकेशन आपके फोन में जब भी इंस्टॉल होगी प्रॉपरली जब आप लोग अपने फोन का सिग्नेचर वेरिफिकेशन डिसेबल कर लेते हैं एंड उसके पहले आप लोगों को अपने फोन को रूट करना होगा जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड काफी सारे लोग क्या भाई सीधा मैजिक्स वाली एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं सोचते हैं कि रूट हो गया, भाई ऐसा नहीं होता रूट। तुम लोग प्रोसेस देखो यूट्यूब पे ऑलमोस्ट सारे डिवाइसों के लिए अवेलेबल है रूट प्रोसेस कैसे करना होता है। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता कि रूट प्रोसेस का वीडियो क्या ही बनाऊं मैं एंड अगर तुम लोग बोलोगे तो एक रूट प्रोसेस का वीडियो लेके मैं जरूर से आऊंगा। एंड इंस्टॉल करना है काफी ज्यादा सिंपल है एंड अगर तुमको अनइंस्टॉल करना है तो टैप करना ऐप इन्फॉर्मेशन पे जाना, आप लोग यहाँ पे इसको जाके अनइंस्टॉल कर सकते हो, आपको वैसे ही देखने को मिल जाएगा एंड सेम वैसे ही फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोग यहाँ पे समझ चुके होंगे या आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना आए जब आप लोग इसको इंस्टॉल करो। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो यार कमेंट सेक्शन ओपन है तो आप लोग वहां से मेरे से पूछ सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम सेक्शन भी ओपन है वहां से आप लोग पूछ सकते हो। बस फालतू के जवाब जो क्वेश्चन होते हैं उनके जवाब मैं नहीं देता हूं एंड अगर तुम्हारे काम के कोई क्वेश्चन है तो उसका जोर से मैं आंसर दूंगा एंड तुम लोग मेरे से कमेंट पे आकर पूछ सकते हो। इसके बाद हम मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, जय हिंद जय भारत।